हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और आज हम इस सेशन में जो गेट 2024 का जो टॉपर हैं उनके बारे में यहाँ पे आप देखा जाएगा, जो ऑल इंडिया रैंक वन कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने अपने स्ट्रीम पे टॉप किया है, उनको हम लोग देखेंगे वो कितना मार्क्स लाए थे और उनका गेट में स्कोर कितना है आउट ऑफ 1000 एंड आउट ऑफ 100। ठीक है, उनका नाम भी देखेंगे स्ट्रीम वाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ हेमंत कुमार नायक और मैं इस तरह से वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। गेट केमिकल और केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक वन कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक वन कैंडिडेट, इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलना चाहिए। ठीक है, फॉर अचीविंग ऑल इंडिया रैंक वन इन गेट 2024 टेस्ट पेपर्स। ये बड़ा बात होता है, हर कोई नहीं निकाल पाता। ठीक है, इसके लिए तैयारी करते हैं लोग, बहुत दिनों का रहता है, 1 साल 2 साल, किसी किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। अच्छे जगह से कोचिंग भी करते हैं, डेली जाना पड़ेगा, और भी अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहला हम देखते हैं एरो स्पेस इंजीनियरिंग का। ठीक है, एरो स्पेस इंजीनियरिंग, जो एरो स्पेस इंजीनियरिंग है उसका जो टॉपर है वो क्या कुंदन जायसवाल हैं। उनका जो स्कोर आया था 86.33 आउट ऑफ 100, और जो मतलब उनका जो मार्क्स था 86.33, और जो गेट स्कोर है आउट ऑफ 1962 बन गया है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसका जो टॉपर है वो प्रतीक शेरके हैं, 75.67 आउट ऑफ 100, और स्कोर है 1000। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का जो टॉपर है वो गजेंद्र कुमार शर्मा है, 77 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 एंड स्कोर है 981। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो टॉपर है उनका नाम संजीव सिंह अचार है, एंड 54.33 मार्क्स आए थे, उनका स्कोर है 1000। और भी इनको भी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रीम है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी इसमें जो टॉपर है उनका नाम आकांक्षा एस है, उनका मार्क्स आया था 83 और जो स्कोर है 1000। सिविल इंजीनियरिंग का देखते हैं, उनका जो टॉपर है दीपक है, मार्क्स आए थे 87.33 और स्कोर है 989। सिविल इंजीनियरिंग भानु प्रताप सिंह 87.33, 989। ठीक, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक इसको मैं चर्च कर देता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग जो मेरा सब्जेक्ट था मैं भी इसमें दिया हूँ 5 बार। ठीक है, तो इसमें जो टॉपर है आदर्श राय है, आदर्श राय उनका मार्क्स आया है 73.33, ये टॉपर है, उनका स्कोर आ रहा है 1000। तो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीयूष कुमार, मार्क्स आया है 90, स्कोर है 1000। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो टॉपर है हिमांशु पपनाई है, 78 मार्क्स आए हैं और उसका जो स्कोर आया है 1000। नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको जो टॉपर है अयागारी सत्या साई श्रीकार, तो 90 मार्क्स है, 1000 स्कोर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी अच्छा ब्रांच होता है, इसको भी इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो टॉपर है राजा मांझी है, राजा मांझी, इसका मार्क्स आया था 84.67 एंड स्कोर है 1000। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, लोग अच्छा पैकेज में जाते हैं, प्राइवेट जॉब भी है इसमें, स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हो इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल से आप डेटा साइंस या CS IT दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हो, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसका जो टॉपर है शिवम है, मार्क्स आए हैं 77 और स्कोर है 1000। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दूसरा भी है साई किरण अडेली, उन्होंने भी
77 मार्क्स आए थे, दो लोगों का टॉप में है मतलब, ठीक है। साई किरण डेली का भी 77 मार्क्स आया, इसको भी दिया है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो लोग टॉपर हैं, शिवम एंड साई किरण डेली, दोनों का मार्क्स आए हैं 77। सॉरी, ये तीन भी है, मनोज कुमार सिन्हा भी, उन्होंने भी 77 मार्क्स, मतलब तीन टॉपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तीन टॉपर बन के आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में गड्डीपति यशवंत बाबू 77.33 मार्क्स आए हैं, 965 स्कोर है। गुलाजी एंड इवोल्यूशन में ध्रुवो ज्योति पात्रा टॉपर हैं, 81.67 मार्क्स आए हैं, 1000 स्कोर है। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, वैभव सोनकर टॉपर हैं और उसका जो मार्क्स आए हैं 79.33 और जो स्कोर है 1000। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स का, यहाँ पे जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स का देखते हैं, ठीक है। तो जो जियोलॉजी है एंड जियो फिजिक्स है, जियोलॉजी उसका जो टॉपर है जयदीप राव है, 82.33 मार्क्स आया है, 1000 स्कोर है, ठीक है। और उसके बाद जो जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स में जियो फिजिक्स रहता है, उसमें शिवम कुमार राय है टॉपर, 75.33, 999 स्कोर। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ऋषभ गुप्ता टॉपर है, ऋषभ गुप्ता मार्क्स आया है 82.67, 984। मैथमेटिक्स है, उसका जो टॉपर है सुयश श्रीवास्तवा और उसका जो मार्क्स है 71.33, स्कोर है 1000। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि एक बड़ा ब्रांच होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसका जो टॉपर है सूरज कुमार सामल है, उसका मार्क्स आया है 84.67, वो स्कोर है 1000। माइनिंग इंजीनियरिंग का जो टॉपर है अनुराग कुमार पाठक है, उसका मार्क्स आया है 58.33 और 966 स्कोर है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इसका जो है रुदीपन प्रधान, ठीक है, टॉपर है, 81.67 मार्क्स आया है, 977 स्कोर है। तो नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग प्रिंस कुमार टॉपर हैं, इनका मार्क्स आया है 55.33, स्कोर है 1000। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी कैंडिडेट हैं जिनका नाम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जो कि सौरभ कुमार हैं टॉपर हैं, उसका मार्क्स आया है 80.67 और स्कोर है 925। फिजिक्स में देख लेते हैं, अनुराग सिंह है, 78.33 मार्क्स आए हैं, 1000 स्कोर है। प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कुमार विशेष टॉपर हैं, 84.67 मार्क्स आया है, 1000 स्कोर है। स्टेटिस्टिक्स में सिंचन स्निग्धा अधिकारी हैं, उनका जो मार्क्स आया है 89.67 आउट ऑफ 100, स्कोर है 1000। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस में जो टॉपर है मीनू मुंजाल हैं, उसका जो मार्क्स है 72 एंड द स्कोर है 1000। इंजीनियरिंग साइंसेस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक, तो इसमें इंजीनियरिंग साइंस में आते हैं। घनश्याम गिरीश दामाद है, 83 मार्क्स है, 989 स्कोर है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस इकोनॉमिक्स, तो उसका सृजन शाश्वत है, मार्क्स आया 70.33, स्कोर है 940। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में इंग्लिश में जो है अजय कुमार है, उनका 83 आया है मार्क्स, 1000 इसका स्कोर है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में लिंग्विस्टिक में जेसु नजारिनी रॉय मार्क्स आया 77.33, स्कोर है 1000। तो इस टाइप से हम लोग जो गेट टॉपर हैं उनका देख रहे हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे आता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में फिलोसॉफी में, तो उसका टॉपर है उत्कर्ष राणा, मार्क्स है 58.67 और उसका स्कोर है 1000। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में साइकोलॉजी में सृष्टि दत्ता है टॉपर, 77.67 मार्क्स है, 975 स्कोर है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में सोशियोलॉजी मोहम्मद सफीन एमपी, इसका मार्क्स है 63 और स्कोर है 1000। लाइफ साइंसेस में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी आते हैं, तो इसका जो टॉपर है वो सिद्धांत भारद्वाज है, सिद्धांत भारद्वाज, इसका मार्क्स आया है 77.33 एंड जो जो स्कोर है 1000। इस टाइप से हम लोग गेट 2024 ऑल इंडिया रैंक वन कैंडिडेट जो कि गेट 2024 के टॉपर हैं, उनका हम लोग नाम एंड उनका स्कोर एंड मार्क्स देख चुके हैं। तो आई होप यू गॉट
some information about All India Rank 1 candidate, and accordingly you can also prepare for your exam of GATE 2025, guys, so that you can also get All India Rank 1, and we also become a topper, and we want you to be topper of GATE 2025, and for that you have to prepare, and right, guys. So these are the All India Rank 1 holders. So now I'll stop here, and I think you enjoy my session, and thank you, and have a nice day. Bye.